कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। हमारे कुछ नौजवान मित्र बहुत लास्ट मिनट पे हमारे जो यहाँ के इंडिया टुडे के संवाददाता हैं देवेश जी, उनका आदेश हुआ कि आ ही रहे हैं तो सीधे कोरबा निकलने के बजाय रायपुर के भी कुछ मित्रों से मिल लिया जाए, बात कर ली जाए, इसलिए फौरी तौर पे दोपहर में कार्ड पोस्ट हुआ। और ये एक सुंदर सी जगह है, क्या नाम है इस जगह का भाई साहब? कटोरा तालाब बोलते हैं। कटोरा तालाब इस जगह को बोलते हैं। पहले यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, उस समय यहाँ के कलेक्टर थे ओपी चौधरी, कलेक्टर थे, आईएएस छत्तीसगढ़ से सिलेक्ट हुए पहले आईएएस राज्य बनने के बाद। 2005 बैच है, पाँच बैच है सही से बताना बैच। तो वो कलेक्टर रहे, उन्होंने ये झुग्गी झोपड़ियाँ हटवाई, यहाँ पर एक चौपाटी ऐसी बनी है जहाँ पर कुल्हड़ की चाय बढ़िया मिलती है। राज्यों में शहरों में इस तरह की वाणिज्यिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आप शहर के लॉ एंड ऑर्डर का आकलन कर सकते हैं कि लड़के या लड़कियाँ फ्रीली निकल पा रहे हैं क्या नहीं। दूसरा, दोस्तियों और प्रेम के लिए जगहें काफ़ी मुफीद होती हैं, हैं प्रेम के लिए ज़्यादा है। तो ये तुम शिकायत के स्वर में क्यों कह रहे हो? आपके बगल में सर तो कपल बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं बस, चोल मोल करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। चोल मोल करते रहते हैं, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुमने शिकायत के टोन में क्यों बोल रहे हो? नहीं, आपने पूछा कि यहाँ पे लड़के ज्यादा बैठते हैं कि कपल? मैंने नहीं पूछा, ये आपने बोला। मैंने कहा भोजन के लिए, दोस्तियों के लिए और प्रेम के लिए मुफीद जगह है, मैंने ये कहा। पलट दिया सब लोग, वीडियो पलट दिया कि सही बोला? सही बोला, इन लोगों को क्या पता है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, निकाल लो फुटेज, तुम देखो फिर बाद में अलग से निकाले जाओगे। तो आपने बोला यहाँ प्रेमी जोड़ा ज्यादा बैठते हैं कि लड़के ज्यादा बैठते हैं, ये आप बोल रहे हो? जोड़ा का प्रयोग नहीं किया, जोड़ा मैंने कहा दोस्तियों और प्रेम के लिए मुफीद जगह है। खर्चा तो हर चीज में लगता है, क्या करते हो नौजवान तुम? फ्री है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उसमें तो मेहनत लगती होगी ना? मेहनत तो बहुत करते हैं। तो फिर फ्री हैं क्यों? कहा अभी फ्री हैं, अभी फ्री है, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को फ्री, शाम को फ्री है। आपका क्या नाम है? प्रिंस सैनी। प्रिंस सैनी, आपका भी यही स्टेटस है, दिन में ट्रांसपोर्ट, शाम को फ्री, यही है। और अकेले घूमते हो? भाई साथ? नहीं, भाई के साथ में घूमते हो। तो भाई को आपके बड़ी तकलीफ हो रही थी प्रेमी जोड़ों से, ये क्या बात है? भाई को प्रेम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ किसी इसी के लिए, प्रेम नहीं हुआ किसी के लिए, प्रेम हुआ तो ये होता साथ में, भाई छूट जाता। हाँ, लड़की पहले नहीं, इसके लिए लड़की पहले नहीं, लड़की पहले नहीं है, मतलब इस टाइम वो होती ना भी साथ में, प्रिंसेस होती ना साथ में, रब के साथ, रब की प्रिंसेस। दो चार हजार खर्चा होता और क्या होता, दो चार हजार खर्चा क्यों होता? अभी नहीं होता, खिलाना पिलाना इधर उधर घूमना वो सब खर्चा होता है। तो लड़की भी खर्च कर सकती है? हाँ कर सकती है, हाँ करने वाली हो, करने वाली हो, बहुत कुछ कर सकती है। अरे तो बस लायक तो बनो पहले करने वाली हो। अरे हम तो अपने लायक है ना, हम खर्चा अपना खुद उठाते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया करते हो, ये वो आएगी तो उसका भी उठा लेंगे। नहीं हो सकता, पर वो भी काम करती है, वो उठा ले हमारा, हमारा बच जाएगा, एक साइड तो बचानी है, राजी नहीं हो रहा भाई किसी से।